तो गुरुग्राम से खबर है। गुरुग्राम में सन के आशिक की करतूत सामने आई है, जहां पर युवती के घर में सन के आशिक ने आग लगा दी और एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की को भी जान से मारने की धमकी दी थी। गुरुग्राम के फारुख नगर इलाके की यह घटना पूरी बताई गई है, जहां पर एक सन के आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में आग लगा दी और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। गुरुग्राम में सन के आशिक की करतूत सामने आई। युवती के घर में सन के आशिक ने आग लगा दी और साथ ही एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की को भी जान से मारने की धमकी दी। गुरुग्राम के फरुख नगर इलाके की पूरी घटना बताई गई। तो गुरुग्राम से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सन की आशिक जो है वो ये करतूत करता नजर आया, इस वारदात को अंजाम देता नजर आया एक तरफा प्यार के चलते। युवती के घर में आग लगा दी गई और साथ ही धमकी दी गई है लड़की को जान से मारने की। तो तस्वीर देख सकते हैं आप, जहां पर आग लगाने का जो प्रयास है वो किया गया सन की आशिक की तरफ से, ये जो प्रयास है वो किया गया है और युवती को जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम से ये जो मामला है वो पेश आया है, जहां पर एक ये आप तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से एक धमाके नुमा आग का गुबार देखने को मिला और सन के आशिक ने दो युवकों को भेजा वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए। दो लड़कों को भेजा गया और तस्वीरों में देखिए एक लड़का तेल छिड़कता हुआ नजर आ रहा है घर में। सीसीटीवी सामने आए हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, कैमरा वन कैमरा टू दोनों तरफ बोतल से पेट्रोल डाला गया, तेल डाला गया, उसके बाद आग लगाई गई और आग लगने के बाद एक धमाके की तरह विस्फोट हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो सीसीटीवी भी ब्लैकआउट हो गया हो, इतना तेज आग का गुबार एकदम देखा। और साथ ही जो युवक वहां पर पहुंचे थे आग लगाने के लिए वो भी इस आग की चपेट में आ सकते थे। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, लड़की को जान से मारने की धमकी दी है आशिक ने और साथ ही सन के आशिक की तरफ से दो युवकों को भेजा गया युवती के घर में आग लगाने को लेकर और आग लगाई गई और उसके बाद धमकी दी गई है लड़की को जान से मारने की। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। गुलशन ग्रोवर, एक सनसनीखेज मामला है सामने आया, जहां पर एक तरफा प्यार में पागल एक सन के आशिक ने दो युवकों को भेजा और घर में आग लगवा दी। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए बसंत, अभी फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी आरोपी जो है गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जी। और ये पूरा मामला फरुखनगर थाना क्षेत्र का है, जो कि सुल्तानपुर गांव में एक जो आरोपी जो लड़का है वो एक लड़की को बार बार उससे मिलने के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन लड़की नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उसने पहले लड़के को पहले लड़की को धमकाया और ये भी कहा कि पहले जो आपके परिवार में जो दो व्यक्ति हैं, चाहे उसकी उसका एक भाई है और उसकी एक माँ है, उनको भी वो जो है धमकाएगा। और ऐसे में उसने अपने पहले दो दोस्तों को भेजा और दो दोस्तों को भेजकर उसने जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया, आप सब साफ तौर से वो सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी वारदात कैद हुई है कि दो लड़के एक बॉटल के अंदर जो है पेट्रोल डाल करके ला रहे थे और उसने जो उस लड़की के घर पर पहले पेट्रोल छिड़का और उसके बाद जो है उसने आग लगा दी। तो ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि जो बैठक है उस बैठक के दरवाजे पर उन्होंने पेट्रोल छिड़का था, क्योंकि जो मेन गेट उनका था वो लोहे का गेट था, जिसके कारण उस लोहे के गेट में आग नहीं लग सकती थी। लेकिन जो लकड़ी का जो गेट लगा हुआ था वो बैठक पर लगा हुआ था और उस बैठक में उन्होंने पहले पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उसमें आग लगाई। और ये भी सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो लड़के इसमें आग लगा रहे थे इस बैठक में, शायद वो भी इसमें झुलसे हैं, क्योंकि एकदम जो आग है वो इस तरह से फैली है कि
लड़के भी उसमें शायद हो सकता है कि वो झुलसे हो, जो आरोपी है, जो दो दो लड़के। लेकिन अभी फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं, जो दो दोस्त आरोपी हैं जिनको उसने भेजा था, वो भी फरार है, और जो मेन आरोपी है वो भी फरार है। ठीक है, देखना होगा गुलशन क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमने टीवी स्क्रीन पर, कैमरा वन कैमरा टू, जहां पर युवकों की तरफ से आग लगाई गई। एक युवती के घर में सन की आशिक की तरफ से दो युवक भेजे गए और इस आग को लगाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई।